Hey guys, welcome back to my channel. I'm back with one more video. Yes, तो मेरे पीछे देख सकते हो मेरी बाइक खड़ी है. तो आज की जो वीडियो है ये बाइक के ऊपर होने वाली है. और इनफैक्ट तुम्हें इसके टाइटल से तो पता लग गया है कि इस वीडियो में क्या होने वाला है. कल मैं अपनी बाइक की चेन क्लीनिंग के लिए किरोसिन ऑयल लेके आया था, मिट्टी का तेल जिसको मैं बोल रहा था. एक्चुअली इशू क्या हुआ कि मेरे पास चेन क्लीनर खत्म हो गया था मोटल का, और मेरे पास टाइम नहीं था इतना कि मैं वो मंगाऊं, वेट करूं 4-5 दिन, बिकॉज यहाँ थोड़ा पूरे आने में टाइम लगता है. तो इस बार मैं ओल्ड स्कूल वाला मेथड यूज कर रहा हूँ, किरोसिन ऑयल. तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और तुम्हें वो वाले सारे स्टेप्स बताता हूँ. आई नो इट विल बी मेसी, बट क्या कर सकते हैं. चलो गेट स्टार्टेड. आई नो किरोसिन ऑयल से चेन साफ करना बहुत सस्ता जुगाड़ है, बहुत ही ज्यादा सस्ता जुगाड़ है. तो ये मैं कल 2 लीटर ले गया था अराउंड 79 रुपीज के करीब. और अभी मैं क्या करूंगा, इसको इसमें शिफ्ट करूंगा. इसमें मैंने कुछ ऐसा कर रखा है, अगर तुम्हें दिखे यहाँ से, खोल कर रखा आगे, ताकि मैं अच्छे से चेन के ऊपर इसको डाल सकूं. मैं इसको इसमें शिफ्ट करूंगा. मेरी बाइक की चेन की हालत देख सकते हो, कितनी ही ज्यादा गंदी हो रखी है, और इनफैक्ट कितनी ज्यादा ड्राई हो रखी है. मैंने बहुत टाइम से इसमें चेन लूबिंग नहीं करी है, एंड इट्स सो डर्टी. सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है, किरोसिन ऑयल थोड़ा मैसी हो जाता है. इट शुड बी मोर देन इनफ आज के काम के लिए, और ये कभी आगे के लिए काम आ जाएगा. ये देखो ये बहुत मैसी रहता है, वैसे मैं जितना मर्जी बचाऊंगा ये नीचे तो गिरेगा ही. थोड़ा टाइम लगता है इसमें, बट जिस तरीके का मजा आता है ना इसमें, मतलब एक तसल्ली हो जाती है कनेक्शन टाइप वाली बाइक के साथ ना. देखो कितना गंदा हो रखा है मेरा चेन, हालत देखो इसकी यार. आई नीड पेडॉक स्टैंड यार, बहुत जल्दी पेडॉक मंगाना पड़ता है. पेडॉक के बिना बहुत सारे काम नहीं हो पाते यार सर्विस वाले. यार एक चीज और चाहिए, चेन क्लीनिंग वाला ब्रश होता है. मेरा ब्रश था वो, मैं ब्रश पता नहीं शायद नोएडा ही छोड़ आया हूँ, मेरे पास था वो ऑलरेडी था यार. This is so messy. Sometimes. यहाँ से काला ही निकल रहा है लिटरली, मतलब. बट अभी एकदम साफ हो जाएगी ये जब इसके ऊपर पानी मारूंगा. वैसे गाइस एक चीज बताना मेरे को कि मैं कुछ ऐसा प्लान कर रहा था कि जैसे बाइक का DIY सॉर्ट ऑफ सर्विस सीरीज. ऑल्दो मैं पहले ही बहुत सारी DIY वाली वीडियोस बना चुका हूँ, बट स्पेसिफिकली कि जैसे बाइक की सर्विस कैसे करनी है, तुम मेरे को जरूर बताना कि हाँ तुम किस तरीके की DIY वीडियो चाहते हो. मैं भी बिल्कुल न्यू लर्नर सॉर्ट ऑफ वाली तरीके से ही बनाऊंगा, क्योंकि मैं पहली बार ये चीज कर रहा हूँ. डू लेट मी नो अगर तुम्हें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो वैसी वाली वीडियो चाहिए, तो आई कैन श्योरली मेक इट. तो इन फ्यूचर आई कैन स्टार्ट अ सीरीज जिसमें मैं सिर्फ अपनी बाइक के ऊपर काम करूंगा. और इन फ्यूचर अगर और भी बाइक्स आई होपफुली. थैंक यू वैन, मेरी कैमरा असिस्टेंट. यू नो ये ब्रश होता ना अगर मेरे पास वाला, तो ये चीज बहुत इजी हो जाती है इधर से करना. ये देखो हालत देखो मेरे हाथों की, ऐसी हो जाती है किरोसिन ऑयल के साथ. बस अभी ऑलमोस्ट सब हो गया, चेन बहुत अच्छे से साफ हो गई है. क्विकली आई गिव इट अ गुड वॉश. जब अच्छे से चेन सूख जाएगी तब इसके ऊपर ल्यूब मारूंगा और ओवरनाइट छोड़ दूंगा. फिर अगर तुम्हारे पास ऐसी ऑप्शन है कि तुम इसे रात को मार सकते हो, तो ल्यूबिंग हमेशा रात को ही करो, ताकि अच्छे से वो तुम्हारी चेन पे एक तरीके से ग्रिप बना ले. ब्रश नहीं है तो क्या हो गया, जुगाड़ तो है देसी जुगाड़, ऐसे कर देंगे हम साफ. तो ये मैं फटाफट बाइक को धुल दूंगा यार. बेस्ट पार्ट अबाउट हैविंग जी शॉप, टेंशन ही नहीं होती पानी की. नीचे नीचे से धुल रहा हूँ वैसे तो मैं अभी फटाफट. Yes, it's almost done. अभी मेरे को ये साफ करना है. देखो कितनी ज़्यादा साफ हो गई है यार चेन, पहले जिस लेवल की गंदी थी उससे बहुत ही ज़्यादा साफ हो गई है, बहुत ही ज़्यादा. See, it's totally clean now. अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने दे रहा हूँ, और जब ये ड्राई हो जाएगी तो उसके बाद इसके ऊपर चेन ल्यूबिंग अप्लाई कर दूंगा. अभी मैं एक सस्ता सा जुगाड़ कर रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से ल्यूबिंग कर सकूँ. बेस सा बनाया है इंटों का, और मेरा जो पीछे वाला टायर है थोड़ा केयरफुल हूँ मैं कि ये पकड़े रखूँ और ये गिरे ना. अब मैं इसको अच्छे से घुमा सकता हूँ. अभी अच्छे से ल्यूब हो गई है. Yes, that's all. अभी मैं इसको वहाँ से हटाऊंगा, पूरी रात भर इसको ड्राई होने के लिए रहने दूंगा, और सुबह तक जब मैं बाइक को चलाऊंगा तो ल्यूबिंग बाइक की एकदम प्रॉपर हो चुकी होगी. 11:20 हो गया, मेरी बहन अभी भी असिस्ट करी है. थैंक यू बहन.
आई होप गाइस तुमने अभी तक ये वीडियो एंजॉय करी होगी। आई नो केरोसिन ऑयल के साथ यू नो बहुत मेसी सा हो जाता है ये क्लीनिंग वाला स्टफ, बट यस इट्स ऑल वर्थ इट व्हेन इट कम्स टू दैट पर्सनल कनेक्शन विद योर बाइक। इतनी देर काम करके बड़ा अच्छा लगता है कि तुम अपनी बाइक के ऊपर कोई चीज कर रहे हो। ल्यूबिंग इज जस्ट लाइक इजी थिंग विद द मोटल चेन ल्यूब, ऑल्दो मैं मोटल का ही चेन क्लीन यूज करता हूँ, बट यस चलो अभी थानी आल आल श्योरली ऑर्डर इट। तुम्हें ये प्रोडक्ट कुछ भी अगर खरीदने हो आल श्योरली गिव यू द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अच्छी लगी वीडियो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना इस वीडियो को अपने बाइकर भाई लोगों में, एंड ये सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को ताकि फ्यूचर में भी मैं कुछ इस तरीके के कंटेंट तुम्हारे लिए ला पाऊं। यस आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे पॉजिटिव, राइड सेफ, राइड हार्ड, बाय बाय, टेक केयर गाइस।